फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम माइक्रोवेव में दूध को कैसे बॉईल करते हैं। ये मैंने लिया है हाफ केजी मिल्क, ये डायरेक्ट फ्रिज से निकाला हुआ है। इसको हम एक बोरोसिल कंटेनर में बाउल में डाल लेंगे। और इस बाउल को माइक्रोवेव में रखेंगे और माइक्रोवेव स्टार्ट करेंगे। हमें दूध को बॉईल करने के लिए माइक्रोवेव मोड ऑन करना है, फुल 900 वाट पर सेलेक्ट करना है और टाइम हमें 4.5 मिनट यानी 4 मिनट 30 सेकंड्स का लगाना है। स्टार्ट। अब आप जाकर अपने रूम में रेस्ट भी कर सकते हैं और आपको देखने की जरूरत नहीं है कि दूध उबल रहा है या नहीं। 4.5 मिनट में दूध बिल्कुल अच्छी तरह से उबल जाएगा और उफन कर बाहर भी नहीं निकलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दूध की जो बॉल है, जिस बॉल में आपने दूध को डाला है, उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खाली रहना चाहिए। देखिए, 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा दूध उबलना शुरू हो चुका है। अब 30 सेकंड्स और बचे हैं, उसमें ये दूध उबलकर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा दूध ऊपर आने लगा है और अच्छी तरह से बॉईल होने लगा है। देखिए, दूध ठीक से बॉईल हो चुका है, तो यानी कि हमें दूध उबालने के लिए 4 मिनट 30 सेकंड का टाइमर लगाना है।